जीएन भारत, जन जन तक। अब एक ही मटेरियल से कोरोना की जांच और इलाज हो सकेगा। बीआईटी के प्रोफेसर अभिमन्यु देव ने किया कमाल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उनके प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उनके प्रोजेक्ट को मिल चुकी है मंजूरी। डीएनए बेस्ड एप्टॉमर आधारित उनके जांच किट का भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में सफल परीक्षण किया गया है। बीआईटी मिश्रा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु देव ने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिससे सस्ते में कोरोना की जांच होगी, साथ ही इसी मटेरियल से कोरोना के इलाज की दवा भी तैयार होगी। डॉक्टर देव ने अगस्त 2020 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। डीएनए बेस्ड एप्टॉमर आधारित उनके जांच किट का भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में सफल परीक्षण हो चुका है। हालांकि इस डीएनए बेस्ड मटेरियल को बीआईटी मिश्रा में ही तैयार किया गया है। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देव ने कहा है कि आईएलएस भुवनेश्वर में कोरोना जांच का सफल परीक्षण हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है क्योंकि इस मटेरियल से कोरोना की जांच पर अधिकतम 300 रुपए खर्च आएगा। डॉक्टर देव ने यह भी कहा कि इसी मटेरियल से कोरोना के इलाज की दवा भी बन जाएगी। इस दिशा में भी काम चल रहा है, दवा बनाने वाली कंपनियों से बातचीत हो रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।